अल्लाह रहमान रहीम अली जेलवी व्लॉग्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज हम झटपट से बन जाने वाली बड़ी मज़ेदार सी आलू और अंडे की टिक्कियां बना रहे हैं। आलू और अंडे की टिक्कियां बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है, ये आधा किलो हमने आलू ले लिए, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है वैसे, और 5 हमने अंडे बॉयल करके ले लिए हैं। ये हार्ड बॉयल करने हैं हमने, आलू भी बॉयल कर लिए हमने। ये एक मीडियम टू लार्ज साइज़ का प्याज था जिसको हमने चॉप कर लिया है। इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें ये एक टेबल स्पून भर के, 1 से 1.5 टेबल स्पून तकरीबन है, जो कि खुश्क पिसा हुआ धनिया है। इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए वो है ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ये थोड़ी मकदार में ये 1/2 टीस्पून के करीब हमने लिया है गर्म मसाला पाउडर। इसके साथ हमें चाहिए 1 टीस्पून के करीब हमें सुर्ख मिर्च चाहिए पिसी हुई। इसके साथ हमें जो चाहिए वो 1 टेबल स्पून के करीब हमने ये नमक लिया है, थोड़ा डालना हुआ तो थोड़ा डाल लेंगे, देखते हैं कितना चाहिए। ये 1 टेबल स्पून हमारे पास कुटी हुई काली मिर्च है। इसके साथ जो हमें चाहिए वो ये 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं, फाइन चॉप की हुई हैं, हमने पेस्ट नहीं बनाया और मोटी भी नहीं कटी हुई। इसके साथ ये 1 कटोरी भर के हमने ले लिया है हरा धनिया जो इसमें जाएगा। इसके साथ ये है मिक्स हर्ब्स हैं। हर्ब्स क्या हैं? ये हैं रोजमेरी लीव्स, ये है ओरिगानो लीव्स और ये थाइम लीव्स है। ये सारे तकरीबन 1-1 चुटकी, जैसे यूं चुटकी बना के हमने ये सारी ले ली हैं, ये भी इसमें जाएंगी। चलते हैं अपनी रेसिपी बनाते हैं कैसे बनती है। और इसके साथ हमें 1 या 2 अंडे चाहिए जिनको फेंट के हम रखेंगे, और 7 ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे जो हमें फ्राई करने के लिए चाहिए। बनाते हैं और आपको दिखाते हैं बेहद लजीज बड़ी झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपी, इन्जॉय कीजिए। सबसे पहले हमने गले में पानी अटक गया जी, ये हमने आलू मैश कर लेने हैं इस तरह मैशर के साथ। इसी तरह हमने अंडे भी मैश कर लेने हैं, मैश करके आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये हमने अपने आलू और अंडे दोनों मिक्स करके मैश कर लिए हैं। हमने इनको बहुत बारीक नहीं पीसना है, ये जैसे हमें बीच बीच में अंडे नज़र आ रहे हैं हमें इसी तरह के ही ये सारा कुछ चाहिए। बाकी कुछ ये हाथ के साथ जब मिक्स करेंगे तो भी पीसे जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हमें पता तो चले हमने डाला क्या कुछ है। इसके साथ ये चला जाएगा प्याज, इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं और बना के। और ये गरम मसाला और ज़ीरा, ये काली मिर्चें बनाते हैं, डालते हैं सारी चीज़ें बना के मिक्स करके, आपको टिक्कियां बना के दिखाते हैं। बस ये जो हर्ब्स हैं इनको आपने यूँ मसल के हाथों के साथ फिर डालना है, इनको बिल्कुल साबुत नहीं डालना है। इस तरह ये सारे डाल दें, फिर इसको मिक्सअप कर लें। ये जी हमारा मिक्सचर हो गया था रेडी, और ये इस तरह हमने ये सारी टिक्कियां बना लेनी हैं। इस तरह बना लें, बनाने के बाद फिर हम इसको अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करके तो फिर हम बनाएंगे। बना लें तो फिर दिखाते हैं आपको। ये जी हमारी काफ़ी सारी टिक्कियां रेडी हो गई हैं, इनको अब फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। ये हमने अंडे फेंट लिए हैं, इसमें हम इसको डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ इसको लपेट के तो रखते जाएंगे। जैसे यहाँ से इसी हाथ से आप यूँ कर लें, ये बना बना के हम रखते जाएंगे। जैसे ये बनाया, फिर इसको यहाँ से इसमें रोल किया और ये बन गया, तो हम इसको रख देंगे। इस तरह सारे बना लेते हैं, फिर इनको करते हैं फ्राई। हम आ गए हैं जी अपने तवे की जानब या पैन की जानब, ये थोड़ा किनारों से उठा हुआ है, हमें इसको शैलो फ्राई करना है अपनी टिक्कियों को, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के इसमें हम अपनी टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। थोड़ा गर्म हो ले तो फिर हम इसमें डालते हैं अपनी टिक्कियाँ। ऑयल हो गया है गरम, तो इसकी आंच हम कर देते हैं कम, क्योंकि आंच कम करके तो हम इसमें इसको अपनी टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे।
बहुत तेज आंच रखेंगे तो ये फटाफट से जल जाएंगी। बेशक हमने जो इसमें मटेरियल यूज किया है वो सारे के सारा पका हुआ है, हमने सिर्फ इनको कलर ही देना है, जो क्रिस्पी ऊपर से थोड़ी हो जाएंगी वो करना है, लेकिन फिर भी बहुत तेज आंच नहीं रखनी है वरना ये एकदम से जल जाएंगी। तो इसको फ्राई करते हैं दोनों साइडों से, एक से डेढ़ मिनट लगे एक साइड पे, इसी तरह एक से डेढ़ मिनट दूसरी साइड पे फ्राई करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये है जी हमारी डिश की फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी आलू और अंडे की मज़ेदार सी और झटपट से बन जाने वाली टिक्कियाँ। बनाइए और मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि आपकी ये टिक्कियाँ कैसी बनी हैं, क्योंकि ये बहुत लजीज होती हैं, मज़ेदार बनती हैं, स्नैक्स के तौर पे खाई जाती हैं, चाहे वैसे खा लें, जब भी भूख लगी हो थोड़ा बहुत, ये इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, एक किस्म की मुकम्मल ग़िज़ा है। ये है इमली सौंठ की चटनी और ये केचप, इन दोनों के साथ इवन आप हरे पुदीने और धनिए की चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ और मेरे व्लॉग्स मिलते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।